Happy birthday, honey. Happy birthday to you. देखो 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 हनी को टोपी बनाई हमने. ये. So hey guys, good morning. कैसा आप सभी लोग? Welcome to my new vlog. So guys, हो गई है नई सुबह की शुरुआत. बहुत बढ़िया और बहुत बिंदास तरीके से. और guys, आज मैं vlog की starting कर रहा हूँ मैं छत से. Reason guys कि अभी सुबह हमारे चाचू महाराज आए साइकिल लेकर के, इसने बोला छत में लेकर के आओ, तो उसके साइकिल में छत में लेकर के आया, थोड़ा सा घुमा रहा था मैं. और गाइस जब मैं छत में आया ना और मैंने जब यहाँ का मौसम देखा तो मेरे को लगा कि इसको व्लॉग में कैप्चर करना चाहिए. देखिए गाइस, जब सामने की तरफ पहाड़ों को क्या मस्त लग रहा है एकदम. तो पहाड़ यहाँ से गजब के, और धूप का तो गाइस नामो निशान नहीं है, एकदम गजब के बादल लगे हुए. और गाइस ऐसा मौसम ना हल्द्वानी के अलावा कहीं नहीं मिल सकता आपको. और इतनी प्यारी हवा चल रही है ठंडी ठंडी, क्या ही बताऊँ गाइस आपको. सच बहुत मस्त हवा चल रही है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है. कोई नहीं कहेगा कि ये गर्मियों का मौसम है, ऐसा लग रहा है कि जाड़े आ चुके हैं, ठंड आ चुकी है. अब मैं तो ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर अगर ऐसा हाल है, थोड़ा सा इससे अगर ऊपर जाएँ, थोड़ा भवाली साइड, भीमताल साइड, नैनीताल साइड, तो वहाँ तो और ज़्यादा ठंड हो रही होगी गाइस. सच में गाइस वी आर लकी कि हम पहाड़ के इतने नज़दीक रहने वाले हैं, हल्द्वानी के रहने वाले हैं, कि यहाँ का जो मौसम है ना वो ऐसा ही है. आहा क्या बताऊँ आपको. तो फिलहाल गाइस चाचू के साथ साइकिल चलाते हैं ना चाचू. 1 2 3 सो चले गई. कॉर्डलेस माइक का कोई तो फायदा उठाए, मैंने फोन को वहां रख दिया, माइक यहाँ लगा दिया. अब इसको घुमाते हैं ऐसे. अब एक्सपेक्टेड है कि मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को, उम्मीद तो मुझे यही है, क्योंकि लगभग ये इतना तो कवर कर ही लेता है माइक मेरा ये वाला. मैं अगर यहाँ खड़ा रहता हूँ दीवार तक तो यहाँ से तो कवर कर ही लेता, इतना तो कवर कर लेता है ये. अब इतना कितना डिस्टेंस होगा, मैं कदम नापता हूँ. 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 लगभग 17-18 कदम है गाइस. 17-18 कदम की जो दूरी है वहाँ से ये वॉइस कैप्चर कर रहा है, तो और क्या चाहिए बताइए. हाँ अगर मैं ऐसे मुड़ूंगा ना तो ऐसे में तो मेरे को लगता है ठीक आती है. जब मैं ऐसे मुड़ जाता हूँ तो थोड़ा सा मेरे को लगता है आवाज़ कटती है. मैंने कुछ को बच्चा पीछे चाचू तो खुद से साइकिल चला ले रहा आजकल ना. चाचू को साइकिल चलानी आ गई ना. वेरी गुड, चलाओ चलाओ खुद से चलाओ. हाँ आज मैं हनी को पकड़ लूंगा, आज मैं हनी को पकड़ लूंगा, उसको पकड़ लूंगा मैं, इसको नहीं छोड़ूंगा. चलिए गाइस चलते हैं अब नीचे. 8:30 हो गया, नहा धोना वगैरह करते और फिर उसके बाद रेडी वेडी होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए. है ना चाचू? ठीक है, मिलते थोड़ी देर में आपसे. सो चले गए फाइनली. आप देख रहे हैं मुझे, मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ तो बढ़िया तरीके से. तो गाइस चलते फटाफट से, पहले पूजा पाठ करते हैं, हल्का हल्का नाश्ता वास्ता करेंगे. चले चाचू पूजा करने के लिए, चले चलो भाई जल्दी चलो. अरे आराम से, पीछे देखो चार्जर रखा हुआ है. सो चले गए फाइनली, मैं तैयार हो चुका हूँ. और गाइस जैसे कि मैं बता रहा था अभी आपको कि बाहर बारिश पड़ रही है, तो बारिश तो नहीं पड़ रही है लेकिन हाँ बादल गरजने की आवाज़ आ रही है बड़ी खतरनाक, हवा चल रही है ठंडी ठंडी. चलते पहले नीचे नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर ऑफिस तो निकलना ही है. गुड मॉर्निंग मम्मी जी. गुड मॉर्निंग. नाश्ता तैयार? बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा दूध तो. ओके बाय बाय. पसीना पसीना प्रणाम. चाचू मैं जा रहा, इसको रोज पीछे बुलाना पड़ता है. देखो कैसा आ रहा है. चाचू मैं जा रहा हाँ, बाय बाय. क्या खाओगे? टॉफी खाओगे? और केक भी खाओगे? चिप्स भी खाओगे? सब कुछ खा लोगे? बर्बाद तो नहीं करोगे? नहीं. पक्का? ठीक है भाई डन, चलो शाबा. मम पीना है? मम दादी पिला देंगी. हाँ ओके बाय बाय. सो लेट्स गो टू द ऑफिस. और गाइस सच में ना इतना प्यारा मौसम हो रहा है, और गाइस पहाड़ों की तरफ तो ना बारिश शुरू भी हो चुकी है. मतलब यहाँ से जो काठगोदाम का एरिया है ना वहाँ पक्का बारिश हो रही होगी. फिलहाल गाइस यहाँ तो बारिश अभी शुरू हुई नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ देर में होने वाली है. और कई बार तो ऐसा होता है गाइस कि तिकोने तक बारिश हो जाती है लेकिन हमारे वहाँ को बारिश नहीं होती. पता नहीं हमारे वहाँ को पापी लोग रहते हैं अच्छे लोग रहते हैं, समझ नहीं आता मुझे. सो चले गाइस फाइनली ये मैं पहुँच गया अपनी गुलाटी गली में. और गाइस ये पहुँचा तिकोनिया चौराहा. सो चले गाइस फाइनली चलते हैं अपने कैंट के अंदर और करते हैं आज के दिन की शुरुआत. फिलहाल गाइस बारिश तो है नहीं अभी तक लेकिन क्या पता दिन तक हो जाए, देखते हैं जो भी होगा. सो मिलते हैं आपसे फ्री होकर के, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर.
सो चले गए फाइनली टेंट से बाहर निकल के आ गया हूँ। और गाइस आप मेरे पीछे देखिए, जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ वैसे ही गाइस ना फाटक बंद हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा भी लेट होता ना, सच में फाटक लग जाता और मुझे वही 10-15 मिनट फिर वेट करना पड़ता वहीं पर ही खड़े खड़े। तो फिर गाइस मेरा आज विचार है केक बनाने का। आपको पता है गाइस कि मैं केक कल बनाने वाला था लेकिन मैं बना नहीं पाया था। तो चलते हैं गाइस घर को और आज जो है केक बनाते हैं। और गाइस केक बनाने के लिए मेरे पास सारा सामान है, बस एक चीज़ नहीं है, वो है बटर पेपर। तो किसी दुकान से रुक करके बटर पेपर ले लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर भीड़ सी लग रही है, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या यहाँ पे? शायद आपस में दो गाड़ियाँ ठुक गई हैं, इसको लेकर के यहाँ चर्चाएँ चल रही हैं। और गाइस मैं देख रहा हूँ सुबह से ऐसा मौसम हो रहा है बारिश वाला, लेकिन पहाड़ की तरफ तो गाइस बारिश आ रही है, यहाँ पता नहीं बारिश कब आएगी। अब चले जी। सो गाइस यहाँ पानी पिलाया जा रहा है, मैंने पी लिया एक गिलास। वैसे इतना गर्म तो है नहीं आज, लेकिन फिर भी लीची वाला पानी था, ये मज़ा आ गया पी करके। गाइस गर्मी के टाइम पे तो लोग पानी पिलाते ही हैं, आज ऐसे मौसम में पानी पिलाते हुए मैंने पहली बार देखा। मतलब बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, ठंडा हो रहा है और पानी पिला रहे हैं, लेकिन गाइस पानी था लीची वाला तो बहुत टेस्टी लगा मुझे। सो गाइस जिम की तो छुट्टी आज हमारे, आज शनिवार है। सो फिलहाल गाइस मैं जा रहा हूँ गोबूदा की दुकान में, मे भी शायद वहाँ मिल जाएगा मुझे बटर पेपर। सो ये बोल रहे हैं नीचे से ले लो सिंगल सीट। गाइस मिल गया बटर पेपर, अब गोबूदा से मुलाकात हो गई, अब चलते हैं घर को। सो चले गए फाइनली पहुँच गए घर। ये अरे बाप रे, आज तो और बड़ी वाली बिंदी लगा दी तूने। हाँ। किसने लगाई? दीदी। दीदी ने लगाई? हाँ। आई था बात, कौन सी दीदी ने लगाई? इस वाली ने? इस वाली ने? नहीं, ये। किसने लगाई? हाँ। हैं? हाँ। कहाँ लगाई? अभी। अभी लगाई? हाँ। ओहो। अभी मैंने बोला था, अभी मैंने लगाई। चाचू मैं ऊपर जा रहा, अभी ऊपर जाके क्या करेंगे? और चाचू अभी ना हम केक बनाएंगे, ठीक है? चाचू के लिए केक बनाएंगे, चॉकलेट वाला, ठीक है? पकड़ दो। सोच रहे गाइस फाइनली शुरू करते हैं केक बनाना। तो गाइस इसके लिए मैंने एक बर्तन लिया है, ये है केक जो मैं बनाने वाला हूँ। इसमें ऊपर से डालेंगे इसके स्प्रिंकल्स, ये बाद में यूज़ करेंगे। तो पहले केक खाली करते हैं और इसमें इतना डालना है दूध। दूध मैंने निकाल लिया है जिसको मैंने रूम टेम्परेचर में रखा कुछ देर के लिए, तो ये ठीक हो गया। अब चलिए गाइस शुरू करते हैं। बढ़िया तरीके से उसको फेंट लिया मैंने। इसमें ध्यान देना कि लम्स नहीं होनी चाहिए। पैन है, इसमें मैंने घी लगा दिया है, इसमें डालते हैं बटर पेपर, इसको रखते हैं इसके ऊपर इस तरीके से। सो देखिए गाइस अब परफेक्टली जो है मैंने इसको फेंट लिया बढ़िया करके। अब डालते हैं गाइस इसको इसमें। और गाइस मैंने यहाँ पर कुकर रख दिया है, गैस ऑन कर दी है, इसमें मैंने पानी डाल दिया है और ये स्टैंड डाल दिया है। और इसमें केक डालने के बाद मैं इसमें डालूंगा इसको और फिर लगाएंगे इसमें ढक्कन। लेकिन हाँ गाइस इसी का ध्यान देना है, ढक्कन की सीटी है ये हमको निकाल देनी है, तो बिना सीटी के ढक्कन को इसमें लगाना है। सो चलिए गाइस बढ़िया करके जो है मैंने इसको उसमें डाल दिया और धक्की मार दी है। अब डालते गए इसमें थोड़ा सा बादाम का चूरा, ये बादाम का चूरा हमने कर लिया था। तो गाइस कुकर के अंदर डाल दिया, लगाते हैं इसमें ढक्कन। गाइस ढक्कन लगा दिए हैं, सीटी निकाल दी है और आँच हल्की कर दी है। तो अब इसको गाइस आधे घंटे बाद निकाल के देखेंगे कि ये कैसा बना है। तो वेट करिए गाइस आधे घंटे के लिए। सो चले गए फाइनली वक्त हो चुका है कुकर को खोलने का, तो चले गए इसको खोल करके देखते हैं। अरे भाई भाई, ये तो बड़ा सुंदर दिख रहा भाई साहब। सीख घुसा के देखते हैं। हाँ जी गाइस, सीख में ये नहीं चिपका, इसका मतलब ये तैयार हो चुका है। देखिए गाइस कितना सुंदर दिख रहा है हमारा चॉकलेट केक। गाइस केक को मैंने निकाल दिया कुकर में से, अब कुछ देर इसको ऐसे ठंडा होने देते हैं, देन उसके बाद करते हैं बाकी का कार्यक्रम। हाँ जी, तो केक ठंडा हो गया। अब वाह, ओए इसके दो हिस्से कर दिए मैंने। अब डालते हैं इसमें चॉकलेट सिरप, थोड़े से बादाम पिसा दिए गए इसकी दूसरी लेयर। सो चले गाइस अब इस केक को डालने वाले गाइस हम फ्रिज में। सो चले गाइस जब तक ये बनता है
हम तब तक खाना खा लेते हैं। सो चले गए फाइनली, जो मेरा केक है वो बन चुका है, उसको रख दिया मैंने फ्रीजर में, तो शाम को खाएंगे उसको। और गाइस आज शनिवार भी है तो मन है शाम को शनि मार्केट जाने का, लेकिन ऐसे मौसम में तो शनि मार्केट जाना पॉसिबल होगा नहीं, देखते हैं क्या होता है शाम तक। तो चले गए फाइनली, शाम हो चुकी है और मेरी पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गई बढ़िया तरीके से। और गाइस आपको पता है कि आज शनिवार है तो आज जिम नहीं होता मेरा, आज जिम की छुट्टी थी इसलिए आज जल्दी से पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गई है। और गाइस मेरी आपसे लास्ट तब बात हुई थी जब दिन में मैं केक बना करके आया था, तो मैं सोच रहा था कि आज शनि मार्केट जाने के, लेकिन मैं शनि मार्केट तो नहीं गया लेकिन थोड़े हल्द्वानी के मार्केट तक घूम करके आया, किसी काम से गया था मैं। आपने देखा कि आज मैंने चाचू के लिए केक बनाया तो बहुत टेस्टी और बहुत बढ़िया केक बना वो, है ना चाचू? अभी केक खाओगे? हाँ चाचू ने केक बनाया है, ठीक है। नहीं चाची तेरे को मैं कुछ लाया नहीं, चल रहे हैं। अरे तेरे को मैंने बोला था ना पंजे लाऊंगा, सॉरी भूल गया, कल लेके आऊँगा। हाँ कल खाएंगे, ठीक है ठीक है। मेरे कुछ का बच्चा आज हनी का बर्थडे मनाते हैं, ठीक है हनी? वो जो केक बनाया ना तेरा केक काटेंगे आज हम। सो भाई यहाँ रखा था हमने अपना केक और जो बन के हो गया एकदम तैयार और टनटना सा हो गया, थोड़ा सा टाइट टाइट भी हो गया। हैप्पी बर्थडे हनी, हनी का हैप्पी बर्थडे है आज, हनी को केक खिलाएंगे, है ना? वैसे गाइस मम्मी जी ने मुझे अभी बताया कि 12 जून को वैसे हनी का बर्थडे होता है और हमने आज तक कभी हनी का बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं किया, तो आज हनी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। हनी बड़ी खुश है आज कि हनी का केक कटेगा, है ना हनी? आज हनी का केक काटेंगे, हनी का हैप्पी बर्थडे बनाएंगे, है ना? कान कैसे कर रही ना? किसका बर्थडे है आज? हनी का बर्थडे ना? ये हनी का केक कट गया, जब हनी का हैप्पी बर्थडे है। अभी मैंने इसको बर्थडे बॉय वाला लगा दिया, फिर याद आया तो गर्ल है हमारी हनी, है ना चाचू? हम तो हलवाई हैं, तो ज्यादा बैठ कर गए हैं समझे में। ठीक है आओ कोई बात नहीं, बैठो हनी के बगल में, हनी के साथ केक काटो उसका। हैप्पी बर्थडे हनी, हैप्पी बर्थडे हनी, जाओ चाचू हनी का केक काटेंगे। शाबाश हनी, हैप्पी बर्थडे। जिसका बर्थडे उसको तो सामने लाओ। हैप्पी बर्थडे हनी, हैप्पी बर्थडे हनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो 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 हनी को टोपी बनाई है। कितने साल की होगी हमारी हनी? 9 साल की। 9 साल की हो गई? 9 साल कंप्लीट, 10 साल लग गया इसको। वो बर्थडे का इधर आ। टोपा टोपा, हनी का टोपा हमारी। खिलाओ। ये अब हम खिलाएंगे थोड़ा सा, कहीं पगले ज्यादा हैं। अच्छा ये मैं भी खिलाऊंगा, बैठो यहाँ पे केक खिलाएंगे हनी को हम भी। आहा ये तो बड़ा अच्छा दिख रहा रे, ठंडा ठंडा भी हो रहा ये। टोपी पीछे होगी तेरी, बर्थडे गर्ल, बर्थडे गर्ल, ये हैप्पी बर्थडे हनी, ये हैप्पी बर्थडे। चलो अब उतना के निकाल दो टोपी, अब तो बहुत परेशान कर दिया हमने, चलो लो हनी केक खिला दे अपने हाथ से ऐसे। अब अच्छा हो रहा है तो क्या बात है, हम फालतू इतने पैसा खर्च करते हैं मार्केट से। इसका बर्थडे 12 जून को होता, मुझे आज पता चला। कोई बात नहीं, जून में मना रहे तेरा बर्थडे? शादी की सालगिरह गिफ्ट दिया था मुझे। अच्छा मुझे याद ही नहीं। तो चले गाइस फाइनली वक्त हो चुका है आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करने का। और गाइस केक खाने के बाद, खाना वाना खाने के बाद गाइस मैं ऊपर आ गया था और गाइस मैंने जो अपने व्लॉग है उसकी एडिटिंग कंप्लीट कर ली है और उसको मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। सो गाइस जो आज मैंने केक बनाया ना, तो मैंने ये सोच के नहीं बनाया था कि आज हनी का बर्थडे बनाना है, वो तो बस मैंने ऐसे ही बना दिया था कि चाचू बोला था केक के लिए। लेकिन सच बता रहा हूँ, जो केक बना था मेरे को लगता है कि ना कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, तो हो सकता है कि जो केक है वो आज हनी के नाम से बना हो। और मेरे दिमाग में अचानक से आया कि चलो आज हनी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस 9 साल में पहली बार आज हमने हनी का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। तो पता नहीं कैसे लोग हैं, हमको याद भी नहीं है। और इनफैक्ट सर बताऊंगा, उसको मैं ही लेकर के आया था 12 जून को। मम्मी जी ने मुझे बताया कि 11 जून को उनकी एनिवर्सरी होती, तो मैंने उनको 12 जून को गिफ्ट किया था। और ये बात मुझे याद नहीं थी, मम्मी जी ने आज मुझे बताई ये वाली बात। अगर मुझे पहले ही बात पता होती तो शायद ये मैं हर साल जो है हनी का बर्थडे सेलिब्रेट करता। कोई बात नहीं गाइस, भगवान करे हनी की लंबी उम्र हो और हर साल इसी तरीके से उसका बर्थडे सेलिब्रेट हम करते रहे। और गाइस सच बता रहा हूँ, आज के ब्लॉग मुझे बहुत मजा आया और पक्का आप लोगों को मजा आया होगा। तो गाइस अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो उसको लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। और गाइस कल संडे, हो सकता है कि कल कहीं घूमने निकलूं, मौसम अगर ठीक रहा तो, नहीं रहेगा तो दिखते क्या होता है। तो फिर गाइस मिलते कल आपसे एक नए और बेहतरीन ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। भाई
गाइस ये देखिए, ये है गोपोदा की बड़ी फेमस दुकान गिफ्ट सेंटर, और ये बैठे हमारे गोपोदा यहाँ पे। ये तो जरूर आएगा, हाथी का बच्चा है। हाथी का बच्चा। हाँ क्या हुआ, बर्थडे की काटेंगे ना? ठीक है, बर्थडे की काटेंगे। अरे अरे